नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी, नेहत्ते शख्स की लात खूसों से पिटाई और विरोध करने पर गाली गलौज। ये खबर उस सिटी की है जहां सब कुछ हाईटेक है और इस हाईटेक के चलते खुलेआम गुंडागर्दी करने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। अब जरा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले की करतूत भी आप देख लीजिए, कैसे ये हेलमेट पहने शख्स को पीटता नजर आ रहा है और जब पीड़ित ने विरोध किया उसके बाद धमका भी रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि खुलेआम दबंगई करने वाले को सड़क पर मौजूद लोगों ने न सिर्फ रोकने की कोशिश की बल्कि बाइक लेकर भाग रहे शख्स को पकड़ने के लिए जोर भी लगाया, लेकिन दबंग वहां से तब भी भाग निकला। खुलेआम दबंगई करने वाला ये शख्स बेशक मौके से भागा, लेकिन कार में बैठे एक शख्स ने उसका वीडियो बना डाला और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने न सिर्फ लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया बल्कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी कर डाला, जिसका नतीजा यह हुआ कि शाम होते होते सड़क पर दबंगई करने वाला शख्स सलाखों के पीछे हाथ जोड़ता हुआ नजर आया और अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांगता दिखा। बकायदा इसकी जानकारी नोएडा पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी। सोशल मीडिया पर दबंगई करने वाले शख्स की हेकड़ी पूरी तरीके से निकल चुकी है और यह शख्स अब सलाखों के पीछे भी पहुंच गया है। लेकिन यह खबर उन लोगों के लिए आईना भी है जो सड़क पर ना सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं बल्कि दबंगई के नाम पर आम लोगों को दबाने की कोशिश भी करते हैं। इस खबर में इतना ही। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।